अभी जैसा कि दोस्तों आप सब देख सकते हो, तो ये हमारा दीवार है जिस पर आज हम पुट्टी करके इसको प्लेन करने वाले, एकदम पूरा फिनिश करने वाले दोस्तों। ना ही तो इस पर प्लास्टर हुआ है और ना ही तो ये दीवार पे पीओपी हुआ है, ये वैसा ही है, सिर्फ बांध काम हो गए। और दोस्तों ये सीमेंट का ईंट है, ये सीमेंट से ईंट बना हुआ है और उसी का ये बांध काम हुआ है, तो ये ऐसा ही है। अपने उत्तर प्रदेश में दोस्तों ऐसा ईंटा नहीं रहता है, अपने उत्तर प्रदेश में मिट्टी का ईंटा रहता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो सीमेंट का ईंटा है। शायद अपने यूपी में भी मिलता होगा लेकिन अपने को नहीं मालूम है। देख सकते हो इसका गुरु बिरु इतना ऐसा खाली है, और ये देख सकते हो मैंने इसको भिगा लिया है ताकि इसमें थोड़ा माल एक बैग सूख ना जाए, खींच ना ले अपनी तरफ से माल, इसके लिए इसको हम थोड़ा भिगा दिए हैं। तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ये है, और मैं आपको इसका ईंट दिखा देता हूँ कि ईंट इसका कैसा रहता है। ये देख सकते हो इधर से, मतलब कि ये दीवार अंदर बाहर दोनों साइड से पूरा करने का है धार बीर के साथ। इसको हम आज पुट्टी करने वाले, एकदम पूरा प्लेन करके आपको दिखाने वाले हैं, और स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाएंगे कि कैसे कर सकते हैं आप अगर करना चाहते हैं। मैं सब कुछ आपको फुल डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। अभी जैसा कि दोस्तों मैं आपको ईंट दिखा देता हूँ कि ये ईंट कैसा है। ये देख सकते हो ये तो जुड़िए का हो गया है, लेकिन मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो ये हमारा ईंट है, ये 8 बाई लगभग, मतलब कि 8 इंच चौड़ा और 18 इंच लगभग लंबा है, लगभग 1.5 फुट लंबा है। ये ईंट पूरा सीमेंट का बना हुआ है और एक खोखला है। लगभग एक ईंट अपना 6 से 7 किलो का है, तो यही ईंट अपना इधर जोड़ा है। तो इसको हम आज पीओपी और पुट्टी करके एकदम प्लेन करने वाले। तो जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या भरने वाले हैं, तो देख सकते हो दोस्तों ये हमारा दयाल इंडिया जिप्सम अल्ट्रा सुपर फाइन है। इसे आप पीओपी भी बोल सकते हैं, ये तो एक प्रकार से पीओपी है, लेकिन ये जिप्सम जिप्सम इसे बोलते हैं, पीओपी वाले लोग जिप्सम बोलते हैं। तो इसको हम थोड़ा लेंगे, और ये हमारा देख सकते हो एक गोनी में मैंने इसको ले लिया है, और अपना दूसरे गोनी में आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा दूसरे गोनी में क्या है। तो दोस्तों ये हमारा दूसरे गोनी में एशियन पेंट का वाल सुप्रीमा पुट्टी है, जो कि पुट्टी आप जानते होंगे। तो ये हमारा पुट्टी है, तो ये पुट्टी और पीओपी मिक्स करके हम भरेंगे, क्योंकि दोस्तों पीओपी बहुत जल्दी मतलब कि टाइट हो जाता है, तो इसके लिए अपने भरने को नहीं जमता है। तो हम पुट्टी और पीओपी हल्का हल्का मिक्स करके भरेंगे। जैसा कि हम मान लीजिए अपना 1 किलो रहेगा पीओपी, तो उसमें आधा किलो हम पुट्टी डालेंगे। देखो तो ये हमारा पानी है, ये मैंने पानी ले लिया, लगभग 1.25 लीटर पानी लिया। अभी देखो तो हमने एक और ये दो, मैंने 2 अजूरी इसमें ये डाल दिया है, और इसमें एक हम इसको पुट्टी डाल देंगे। देखो तो हमने इसको एक पुट्टी डाल दिया, और इसको भी हम थोड़ा मिक्स कर देंगे, इसको हम मिक्स कर देंगे, और उसके बाद में मिक्स करने के बाद दीवार में लगा देंगे। तो आप भी कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, और आप भी खींच सकते हैं इसको। ये देख सकते हो आपको कुछ इसको थोड़ा पतला ही बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पतला बनाएंगे फिर थोड़ा देर बाद टाइट हो जाता है। तो देख सकते हो अभी मैंने इसको बना दिया, और लगभग देख सकते हो एकदम पतला ही हो गया है, तो आपको कुछ इतना पतला बना लेना है। तो दोस्तों जो हमारा ये माल है पुट्टी और पीओपी मिक्स वाला, हमारे से भरने के लिए 2 आदमी की जरूरत पड़ेगी। एक आदमी जैसा गिरे फक तो ऐसा हाथ से ऊपर की तरफ चढ़ाएगा, और दूसरा आदमी पत्रे की मदद से इसको फिनिशिंग देते चला जाएगा। तो दोस्तों ये अगर आपको करने के लिए जमता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मेन बात हम क्या है वीडियो पर हम आए हैं पुट्टी कैसे किया जाता है ये सीखने आए हैं। तो दोस्तों हम आपको पुट्टी करके दिखाएंगे, और पुट्टी कैसे करते हैं अच्छे से आपको समझाएंगे। तो पहले इसको हम पूरा कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम पुट्टी करेंगे। तो चलिए इसको हम पहले पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि पुट्टी कैसे इसको ऊपर करें, और एकदम फिनिश दोस्तों हो जाएगा 2 कोट में ही। तो अगर आप ऐसा आपको जमता है करने को तो आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप पीओपी आप भरेंगे तो मान लीजिए 2 कोट में आपका फिनिशिंग होने को रहेगा, तो उसके जगह पर आपको 3 कोट भरना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जब आप ये पीओपी और पुट्टी मिक्स करके नहीं भरे रहेंगे तो थोड़ा अप डाउन दिखेगा, इसके लिए आपको 1 कोट थोड़ा ज़्यादा ही भरना पड़ेगा। लेकिन आप अगर ऐसा भर लेते हैं 1 कोट और 2 कोट पुट्टी कर देंगे, तो दोस्तों 3 कोट में तो एकदम पूरा रॉयल आप मार सकते हैं आराम से। लेकिन आप वैसे अगर भरेंगे तो लगभग 4 कोट आपको मामूली से मामूली भरना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको पूरा कर लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि पुट्टी कैसे करते हैं। अभी आप इधर देख सकते हो ये हमारा पूरा का पूरा दीवार पीओपी और पुट्टी मिक्स करके हमने 1 कोट इसको मात्र भर लिया है। 1 कोट हमने प्लास्टरा के तौर पे इसको कर दिया है। अभी आप मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो ये जो आपको दिख रहा है ऐसा, ये दोस्तों हमारा लेबल हो गया। बस क्या है ये और ये जो बीच में था गैप था, ये बीच में पीओपी आ गया है, और ये ऐसा दिख रहा है बाहर की साइड में उभरा हुआ। तो इसको हम पुट्टी भरेंगे तो ये प्लेन हो जाएगा, कुछ नहीं इशू करने का है।
बाकी आप देख सकते हो प्लेन ही हमारा हो गया, हाथ कहीं भी रुक नहीं रहे थे, नीचे की तरफ आ रहा है फिसलते फिसलते। तो आपको कुछ उस प्रकार से कर लेना है, देख सकते हो। तो हमने इसको पूरा देख सकते हो कर लिया था, धार वीर भी सब एक ही साथ में बना दिया था। देखो तो इधर भी हमने भी इसको जस्ट किया तो थोड़ा गीला है इधर से, देखो तो इधर से, और इधर भी हो गया है तो इधर का थोड़ा गीला ही है, तब तक सूख जाएगा। POP क्या 20 मिनट से 25 मिनट के अंदर सूख जाता है, देख सकते हो। तो ये भी हमारा सूख गया है, और ये अपना ईंट भी सीमेंट का ही था इसके लिए बहुत जल्दी सूखा। तो अभी इसके ऊपर हम पुट्टी खींचते हैं और आपको दिखाते हैं कि पुट्टी कैसे खींचते हैं, आपको बढ़िया तरीके से समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी ऐसा आप देख सकते हो हमारे पास एक थापी और एक पतरा है। आप ऐसा एक पतरा का आपको जमता है तो आप ऐसा इस थापी नहीं ले सकते, उसके जगह पर ऐसा एक पतरा ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको दो पत्तियों की जरूरत पड़ेगी, तो आपको करीब से दिखा देता हूँ एक मिनट। तो देख सकते हो कुछ ऐसे दो पत्तियों की जरूरत आपको पड़ेगी ऐसा, ये दो पत्तियाँ और ये 8x4 का है और ये हमें थापी लिए थे। तो आपको अगर ये थापी जमता है खींचने के लिए तो आप ऐसा थापी एक ले सकते हैं, नहीं तो इसके तौर पर ऐसा पतरा ले सकते हैं। तो हम दाहिने हाथ में ये रखेंगे और बाएं हाथ में एक ये रखेंगे थापी, लेकिन आप कोई भी रख सकते हैं, इसको दाहिने हाथ में रख सकते हैं, इसको बाएं हाथ में रख सकते हैं। और इस पर देखो तो इसे थोड़ा सा धार होना चाहिए, धार देखो तो मेरे थोड़ा धार है इसमें, हल्का हल्का चमक रहा होगा। तो ऐसे धार कुछ बना लेना है आपको, देखो धार इस पर लगा है और ये बाजू से भी थोड़ा हल्का हल्का धार है। तो इससे हम पुट्टी खींचेंगे तो इस पर थोड़ा धार रहना चाहिए। पतरा कैसे पकड़ते हैं आपको मैं बता देता हूँ, पतरा आप कैसा भी पकड़ सकते हैं। ये पाछे की उंगली है, पाछे की चार पाँच आप चार उंगली है, तो ऐसा पाछे की उंगली से दूर दूर ऐसे रखिए, देखो तो ऐसा ऐसा उंगली पाछे की रखिए, और आए की उंगली जो है ऐसे इधर इधर फोल्ड करके रखिए, पतरा इधर थोड़ा बढ़ा के रखिए। इधर थोड़ा देख सकते हो, इधर से इधर हमारा तो लगभग 2 इंच बड़ा है, और इधर से इधर लगभग देख सकते हो 3 से 4 इंच बड़ा है। तो ऐसा कुछ अपने को पतरा पकड़ने को रहता है। ये मुरी ऐसा ना तो ऐसा फोल्ड कर लेना है, ऐसा आपको फोल्ड कर लेना है, नहीं तो आपका मुरी मान लीजिए ऐसा रहेगा और आपका दूसरा पतरा ऐसा लेंगे तो ऐसा पतरा माल रखेंगे ना चेंज करेंगे पतरे से तो ऐसे इसमें लड़ जाता है, तो मुरी आपका ये कट जाएगा। तो इसके लिए आप मुरी भी ऐसा रहेगा तो इसमें माल चेंज हो जाएगा। तो अपने कुछ इस प्रकार से पकड़ लेना है, देखो तो कुछ इस तरह से। चलिए अभी आपको हम लगा के दिखाते हैं कैसे लगाते हैं। अभी देख सकते हो हमारा माल बन के इधर रेडी हो गया है एकदम, और ये हमारा माल पतला ही बनाए हैं क्योंकि दोस्तों जो ये हमारा दीवार है ये दीवार POP हुआ है, और ये हमारा देखो तो माल अभी मीडियम साइज़ में बन गया है, ना ही पतला ज़्यादा ना ही जाड़ा है। तो आप ये कुछ इस प्रकार से मीडियम साइज़ माल बनाइए और फिर खींचना शुरू कर दीजिए। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे खींचते कैसे हैं पुट्टी। तो आपको कुछ कोई एक साइड से लेना है, नहीं तो ये साइड से लेना है, नहीं तो वो साइड से आप ले सकते हैं। तो मैं आपको वही साइड से लेके दिखाता हूँ, एक कोने से आपको ले लेना। हाँ, उससे पहले ये दीवार को आप पतरा मार लीजिए, जैसे कि अभी आप देख सकते हो इधर हल्का हल्का रेबिट है, किधर किधर ऐसा किधर किधर ऐसा रेबिट आपका गिरा रहता है ऐसा, और किधर है मतलब आप ढूंढ सकते हैं। मैं पतरा मार लिया था तो आप कैसा किधर रेबिट रहता है तो पतरा आप मार लीजिए और फिर पुट्टी भरना स्टार्ट करिए। तो ऐसे माल निकालना है और उसे देखो तो ऐसा माल रख लेना है, ऐसे ये पतरा पूरा क्लीन कर लेना है। ऐसा क्लीन करने के बाद ऐसे इस पर माल पलट लेना है, ऐसे पलट लेना है, पलटने के बाद ऐसा देखा दीवार पर रखना है और ऐसे माल छोड़ देना है ऊपर का, और फिर जो माल बचता है इसमें ऐसा काट लेना है, फिर इसको थोड़ा और ऐसा पूछ के निकाल लेना है। मतलब कैसा आपको माल रखना है और ऐसे पूछ के निकालते चले जाना है। आप ये साइड सा पूछ के निकालिए, आगे थोड़ा सा छोड़ के ही रखिए, फिर ऐसा रखिए, ऐसा खींच दीजिए ऊपर के साइड में। आप चाहिए तो ऐसे भी खींच सकते हैं, मैंने तो ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे लेना है। फिर दोबारा लिया माल हमने, ये पतरा के लिए इससे माल ऐसा रखा और इधर ऐसा रखा पतरा, और ऐसे ऐसे माल छोड़ दिया जो मचा सब इतना इसमें साफ कर लिया पतरा के लिए, फिर उसके बाद फिनिशिंग कर दिया हमने। आप ऐसा कर सकते हैं, वीडियो मार दे रहे। तो आप कुछ इस प्रकार से खड़ा खड़ा मार सकते हैं। अगर आप ऐसा आड़ा मारना चाहते हो तो मैं आड़ा अभी आपको मार के दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ ना बंदे को। अभी देखो तो हमने इधर आड़ा मार रहा हूँ मैं, तो इधर से हम लेंगे ऐसा आड़ा, ऐसा लिया सेम पोजिशन, माल लिया माल छोड़ दिया, पतरा क्लीन कर लिया ऐसा, इसको क्लीन है ऊपर से ऐसा माल साफ कर दिया, नीचे माल वैसा ही रखेंगे, फिर ऐसा लेंगे फिर ऐसा कर देंगे। नीचे माल आपको छोड़ते चले जाना है ऊपर से, ऐसा आप खींच सकते हैं फटाफट। तो चलिए हम पूरा खींच लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या कमी हो रहा है।
देख सकते हो। आयता कुछ इस प्रकार से खींच लेना है, देखो मैं बीच में थोड़ा खींचा था कि आप लोगों को दिखे, और इसका फिनिशिंग आप देख सकते हैं एकदम काफ़ी खूबसूरत फिनिशिंग है, काफ़ी एकदम बेहतरीन क्वालिटी का फिनिशिंग है। चलिए ऐसा फटाफट पूरा खींच लेते हैं, आप जैसा चाहिए वैसा खींच सकते हो, आड़ा खाड़ा। तो अभी जैसा कि दोस्तों आप सब देख सकते हो, हमारा पूरी पुट्टी हमने दीवार को पूरा कर दिया था एक ही कोट। अभी आप देख सकते हो कैसा दिख रहा है। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से कहीं भी कुछ सीख मिली हो, आपको हमारी वीडियो कहीं भी कुछ पसंद आई हो, तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर भाई अगर आप चैनल पर नए हैं तो लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों मैं पेंटिंग से जुड़ी रिलेटेड वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए आज के छोटी सी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।